हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके 20 क्वेश्चन ओनली कंप्यूटर से आएंगे। तो ये वाले 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम एक सीरीज स्टार्ट करें जिसमें मैं आपको टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन करवाऊँगा कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आज का हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। इन सीरीज़ में आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो लिया मैंने, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वर्ड फाइल से, एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, एमएस पावर पॉइंट से इंक्लूड किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंटर सिलेक्टेड टेक्स्ट इज इन वर्ड इज, कहने का मतलब है जो भी आप एमएस फाइल में कोई टेक्स्ट लिखते हो इसको सिलेक्ट करके अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे। आपको पता है जब भी आप कोई किसी भी वर्ड में आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो तो आपका लेफ्ट साइड में लिखता है, ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और लिखना स्टार्ट होता रहता है। तो उसको अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल प्लस ई दबाते हैं तो वो आपका सेंटर में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नेम डैट यूज़र गिव टू ए डॉक्यूमेंट इज रेफर टू एस, मतलब आपके पास एक डॉक्यूमेंट फाइल है अगर आप उसको किसी नाम से सेव करते हो तो उसको क्या बोलेंगे। तो हम उसको फाइल नेम बोलेंगे, डॉक्यूमेंट नेम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस चीज़ में आप काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो हमें याद रखना किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम नाम देते हैं तो उसको हम फाइल नेम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट नेम नहीं बोलते, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, अगर हम कोई फाइल क्रिएट की, ठीक है, अगर हम उस फाइल पे काम कर रहे हैं और हमने उस फाइल को सेव नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या रहता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा डॉक्यूमेंट वन, ठीक है, अगर आप वर्ड फाइल में काम कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वट इज़ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट, जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो सबका होता है डॉट डी ओ सी, डी ओ सी का मतलब ही होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट पी पी टी, ये भी याद रखना पावर पॉइंट का होता है पी पी टी, जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका। अगर हम डॉट टी एक्स टी बात करें तो ये हम नोट पैड फाइल में जो काम करते हैं उसका होता है डॉट टी एक्स टी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रेस द डैश की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द फर्स्ट सेल इन ए रो इन एक्सेल, मतलब आप एक्सेल में किसी रो में किसी सेल में काम कर रहे हो अगर हम फर्स्ट सेल में आना चाहते हैं तो हमें होम की दबानी होगी, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट सेल में आना चाहते हैं अगर होम की दबाएंगे तो जो हमारा कर्सर है वो डायरेक्ट फर्स्ट रो के फर्स्ट सेल में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मैनी पेज ओरिएंटेशन आर ऑन ए पेज, किसी भी पेज पर कितने टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो टोटल दो टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है लैंडस्केप, एक होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट ऐसा होता है, लैंडस्केप ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एन एक्सेल स्प्रेडशीट हैज़ द एक्सटेंशन डैश, जो एक्सेल स्प्रेडशीट है उसका कौन सा एक्सटेंशन होता है। तो उसका होता है डॉट एक्सेल एक्स, याद रखना एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट एक्सेल एक्स। डॉट डी ओ सी मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट फाइल का होता है, डॉट ई एस सी आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल का होता है, और डॉट पी पी टी आपका पावर पॉइंट फाइल का होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सेल इज ए डैश, एक्सेल क्या है। तो एक्सेल हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये एक्चुअली एक्सेल की एक डेफिनेशन भी है क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है एक्सेल इज ए डैश, तो हमें एक्सेल की अगर डेफिनेशन बतानी होती है तो हम इस टाइप के बता सकते हैं कि एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म पर्टेनिंग टू द वर्ड, मतलब नीचे दिए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी टर्म है जो हमारी वर्ड फाइल है उससे रिलेटेड नहीं है। तो चलिए देखते हैं, एक यहाँ पे वर्ड आया पर्टेनिंग टू, तो इंग्लिश का है वैसे तो ये, मैं बता देता हूँ पर्टेन के साथ हमेशा टू आता है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पर्टेन के साथ हमेशा टू आएगा, ये फिक्स है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से वर्ड से रिलेटेड क्या नहीं है। तो वर्ड से रिलेटेड हमारा डिलीट, हाँ वर्ड फाइल में हमारा डिलीट होता है, एडिट होता है, कॉपी भी होता है, लेकिन हमारा स्लाइड शो नहीं होता, ये हमारा पावर पॉइंट में होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में हमारा स्लाइड शो होता है लेकिन वर्ड में स्लाइड शो नहीं होता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू मूव द बॉटम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग की शुड बी प्रेस, मतलब अगर हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हमको यहाँ पर आना है तो हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी ताकि हम बिल्कुल एंड में आ जाए। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आने में कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ओपन से लेकर बिल्कुल वर्ड के लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर इस लाइन के एंड में आना है, सेम लाइन में एंड पे आना है, तो सिर्फ एंड प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट लाइन के एंड में आ जाओगे। अगर आप कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हो तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन के लास्ट एंड में आ जाओगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्टेनिंग टू द स्प्रेडशीट, अभी दोबारा आ गया पर्टेन के साथ हमेशा टू आता है। तो बोला कि दिए गए ऑप्शन में से स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्या चीज़ नहीं है। तो स्प्रेडशीट में हमारा फॉर्मूला होता है, सही है, सेल होता है,
कैरेक्टर होता है, लेकिन ब्राउज़र नहीं होता स्प्रेडशीट में। ब्राउज़र आपको पता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, लाइक गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सारे ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए वर्ड गेट सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट टू सिलेक्ट ए वर्ड इन द वर्ड। मतलब मान लो आप किसी वर्ड में काम कर रहे हो और यहाँ पे सी ओ एम ये वर्ड लिखा है, सी ओ एम, अगर हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें इस पर कितनी बार क्लिक करना होगा। ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है वर्ड में आपका कोई वर्ड लिखा हुआ है, अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो कितनी बार इसको क्लिक करना होगा। तो सिंपल सा, अगर इसको हम दो बार क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा, तो राइट होगा ट्वाइस, तो दो बार आपको क्लिक करना होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑपरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज नोन एज। मतलब कहने का, मान लो दो सेल है हमारे, अगर इन दोनों सेल को मिला के हम एक सिंगल सेल बनाना चाहते हैं तो इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं मर्ज सेल। मतलब दो सेल को मिला के हमने एक सिंगल सेल बना दिया, इनको मर्ज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द शॉर्टकट की ऑफ जस्टिफाई अलाइनमेंट। मतलब अलाइनमेंट को जस्टिफाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो जस्टिफाई करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस जे। अब बात कर लेते हैं कि जस्टिफाई क्या होता है, ठीक है, तो ये हमारा वर्ड है, इसमें आप काम कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ लिखती हो वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आपकी लेफ्ट से चल के राइट में जाती है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे लिखती हो ना। अब हमने सारा कुछ लिख लिया, लेकिन कई बार हम लिखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस बच जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बच जाता है, तो उन सबको जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई का मतलब है कि सबको एक प्रॉपर मैनर में कर देगा, बिल्कुल साइड से भी बिल्कुल प्लेन ऐसे बिल्कुल सीधा लिखा होगा, राइट से भी सीधा लिखा होगा, बिल्कुल जस्टिफाई कर देगा। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे होती है, याद रखना। सेंटर के लिए बता दिया मैंने कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एस दबाओगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल प्लस ए दबाओगे तो ऑल सिलेक्ट होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस जे। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अगर हमारी कोई प्रेजेंटेशन पहले से बनी हुई है उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे तो जो हमारी पहले की प्रेजेंटेशन बनी हुई है वो ओपन होने का ऑप्शन खुल जाता है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए मैंने आपको बता दिया ऑल सिलेक्ट के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज। किसी प्रेजेंटेशन में हम नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस एम। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको, ठीक है। करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड एंटर करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंट्रोल प्लस एन मत कर देना, ठीक है, ये कन्फ्यूजन रहती है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस एम हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो वो होती है F5। जिन्होंने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा उनको पता होगा, पावर पॉइंट में अगर हम स्लाइड शो के लिए कोई की दबाना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर डायरेक्ट F5 दबाएंगे तो हमारा स्लाइड शो वाला व्यू आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप कंप्यूटर पर प्रेस करोगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा F7। F7 अगर आप F7 प्रेस करोगे तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्लाइड सॉर्टर ऑफ ए पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन डैश मेन्यू। पावर पॉइंट में जो स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन होता है वो कौन से मेन्यू में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यू मेन्यू, ऑप्शन नंबर 4। व्यू नाम का एक मेन्यू होता है ऊपर, वहाँ पे आप देखोगे, उस व्यू मेन्यू में जाके देखोगे तो आपको स्लाइड शॉर्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, तो राइट आंसर इसका व्यू मेन्यू। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस डैश। तो ये तो सिंपल सा, कोई भी चीज़ प्रिंट करनी हो तो हमें सिर्फ कंट्रोल प्लस पी दबाना होता है तो वो प्रिंट हो जाता है। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए होता है, सबको पता होता है। कंट्रोल प्लस ई मैंने आपको बता दिया सेंटर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू अंडू द लास्ट वर्क प्रेस। ये भी सिंपल सा, किसी भी लास्ट वर्क को अगर हमें अंडू करना है तो हम क्या दबाते हैं, तो कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं। कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए दबाते हैं, सबको पता है। दोस्तों अंडू करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट की होती है, काफ़ी बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आप आल्ट प्लस बैक स्पेस दबाओगे, ठीक है, आल्ट प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो इससे भी आप अंडू कर सकते हो, तो बहुत कम लोगों को पता है, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस जेड तो सबको पता है, लेकिन ऑल्ट प्लस बैक स्पेस भी दबाते हैं अंडू करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल प्लस जेड यूज़ करते हैं, ईजिली रहता है तो कंट्रोल प्लस जेड ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसको भी याद रखना ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो ये था आपके टोटल आज 20 क्वेश्चन, तो ऐसे ही हम टोटल 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट वन था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि
आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।